एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे, आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल केसीआई टैली स्पेशलिस्ट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, या आप कह सकते हैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आया हूँ, जो कि हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो किसी भी तरीके से कंप्यूटर कोर्सेज को कर रहा है। और आप जानते हैं कि हमारे द्वारा आप लोगों को फ्री कंप्यूटर कोर्सेज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इस चैनल पर जो भी कोर्स आपको मिलता है कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, इसमें आपको कोई भी पेमेंट पे करने की जरूरत नहीं होती है। तो आज मैं आपसे जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसका मैं आज आपको डीपली नॉलेज दूंगा। बिकॉज मैं कोई भी नया प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ तो उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मैं जरूर प्रोवाइड करता हूँ, और यह इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। पढ़ने वाले बहुत सारे लोग इसके बारे में नॉलेज नहीं रखते होंगे। आज मैं जिस विषय पर बात करना जा रहा हूँ वो उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस ऑफिस शॉर्ट में हम बोलते हैं, फुल नेम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस मेरी अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए जानते हैं एमएस ऑफिस पैकेज क्या है, ये किस पर बनाया गया हुआ है और इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। बेसिकली आप एमएस ऑफिस पढ़ लेते हैं, एमएस ऑफिस के एप्लीकेशन को पढ़ लेते हैं, बट ये नहीं समझ पाते हैं जो एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं वो किस एप्लीकेशन पैकेज के अंतर्गत आता है, किस सूट के अंतर्गत आता है। तो आज का जो मेरा ये वीडियो है ये आपको इसी के बारे में सूचित करने वाला है कि एमएस ऑफिस है क्या, ये डेवलप कब किया गया, किस पर डेवलप किया गया, और इसके अंतर्गत जो एप्लीकेशन है वो किस तरीके से यूजफुल है आपके वर्क में या किसी भी ऑफिस में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज को कहा जाता है। पैकेज कब होता है, जब कई सारे एप्लीकेशंस का समूह होता है तो उसको हम पैकेज कहते हैं या सूट कहते हैं। इस एमएस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत बहुत सारे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स आते हैं, मीन्स कई सारे एप्लीकेशंस का समूह है एमएस ऑफिस पैकेज, जो कि 1989 में फर्स्ट टाइम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप किया गया था। एमएस ऑफिस को 1990 में C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा विंडोज के लिए इसको डेवलप किया गया, और तब से बहुत सारे वर्जन, बहुत सारे संस्करण माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आते गए। और इस समय आप जानते हैं जो एप्लीकेशन चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, जो पैकेज चल रहा है 2021, जैसा कि आप जानते हैं एमएस ऑफिस पैकेज एक पॉपुलर पैकेज है जिसका यूज नॉर्मली ऑफिस, किसी भी ऑफिस में पर्सनल यूज के लिए, या एक तरीके से कह सकते हैं कि जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर है ये, हर प्रकार के वर्क के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी इसका इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा है। तो एमएस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत जो एमएस ऑफिस सूट है उसके अंतर्गत कितने एप्लीकेशंस आते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट इसमें हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो हम सबसे पहले जानेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस इसके अंतर्गत आते हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसे हम एमएस वर्ड शॉर्ट में बोलते हैं, यह एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। इसके द्वारा हम डॉक्यूमेंटेशन वर्क करते हैं, किसी भी ऑफिस के में डॉक्यूमेंट को, किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट तैयार करना है तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम एमएस वर्ड के माध्यम से हम तैयार करते हैं, उसको हम कम्प्लीटली फॉर्मेट करते हैं, उसमें लेटर्स वगैरह, रिज्यूमे वगैरह बनाते हैं। अगला जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है इसका एमएस एक्सेल, जिसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहा जाता है, जिसे स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी कहा जाता है। एमएस एक्सेल के माध्यम से हम स्प्रेडशीट को तैयार करते हैं, हम सीटें बनाते हैं जिनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। किसी भी प्रकार का चार्ट बनाना है, पिवट टेबल बनाना है, कोई भी कैलकुलेशन वर्क करना है, एक्सेल के अंतर्गत जो फार्मूला होता है, फार्मूले के माध्यम से हम मेनी टाइप कैलकुलेशंस वर्क कर सकते हैं। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो कि किसी भी ऑफिस, किसी भी मॉल में, कई सारे प्लेसेस पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जिसे पीपीटी प्रोग्राम बोलते हैं। पावर पॉइंट का आज के टाइम में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी कंपनी है, कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, किसी भी विषय को बताना है तो प्रेजेंटेशन के माध्यम से, प्रेजेंटेशन मतलब होता है प्रस्तुतिकरण, विषय को, दृश्य को, या किसी भी कंपोनेंट को प्रदर्शित करना है तो स्टार्टिंग टू एंडिंग उसका कंप्लीट
स्लाइडों के मिक्सअप से प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है, फिर उस विषय को या उस दृश्य को या उस कंपोनेंट को कंप्लीटली व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, तो हम पावर पॉइंट के माध्यम से प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है आज के टाइम में। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन आपका एमएस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत आता है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जिसे एमएस एक्सेस शॉर्ट में बोलते हैं, यह एक डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम है, जिसे हम डीबीएमएस प्रोग्राम कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंतर्गत कोई भी डेटाबेस, किसी भी कंपनी का डेटाबेस, एम्प्लॉइज का डेटाबेस, स्टूडेंट्स का डेटाबेस, या अदरवाइज कोई आपका कोई भी ऐसा बिजनेस है, या आप एजुकेशनल सेक्टर में हो, हॉस्पिटलिटी में हो, कहीं भी आप हो और आपको डेटाबेस तैयार करना है, तो एमएस एक्सेस के माध्यम से हम बहुत ही अच्छे से डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। एमएस एक्सेस के माध्यम से हम कोई भी फॉर्म बनाते हैं, टेबल्स क्रिएट करते हैं, क्वेरीज बनाते हैं, रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, मेनी टाइप डेटाबेस रिलेटेड वर्क हम इसके माध्यम से कर लेते हैं। और इसी क्रम को पूरा करता है एमएस आउटलुक। एमएस आउटलुक भी एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, जिसके साथ जिसे हम मेल बॉक्स की तरह से यूज कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का जो कंप्लीट एक हब कह सकते हैं मेल बॉक्स, जहां हम एम्प्लॉयज से मीट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, या कोई भी डेटा का आदान प्रदान ईमेल के माध्यम से हम करते हैं, तो उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है एमएस आउटलुक। एमएस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत ही आपका आता है एमएस वन नोट। एमएस वन नोट एक डिजिटल नोटबुक की तरह से वर्क किया जाता है, और कोई भी अगर हम प्रिंट करते हैं तो उसका प्रीव्यू डायरेक्टली वन नोट के माध्यम से हमें मिल जाता है। यहां तक कि अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में प्रिंटर का कोई भी ड्राइवर इंस्टॉल्ड नहीं है, अगर एमएस ऑफिस आपने डाल रखा है, तो वन नोट वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी कोई भी डॉक्यूमेंट का आपको प्रिंट करना है तो उसका प्रीव्यू आपको वहां पर मिल जाएगा, कैसे प्रिंट किया जाता है, कैसे प्रिंट निकलेगा, वो आपको उसमें प्रीव्यू प्रोवाइड करा दिया जाता है। इसी क्रम में आपका आता है एमएस ऑफिस पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, जिसके माध्यम से हम कोई भी अपना डेटा, कोई भी रिपोर्ट, कुछ भी हम पब्लिश करना चाहते हैं तो हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये एमएस ऑफिस जो आपका है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैकेज है, जिसको हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन पैकेज है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, और इसको इसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ाते हैं। इसके अंतर्गत जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मीन्स इस स्वीट के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कम्पोनेंट है, वो इसकी इम्पोर्टेंस को और बढ़ा देते हैं, बिकॉज इसके द्वारा हम किसी भी ऑफिस में या पर्सनल वर्क या किसी भी प्रकार के बिजनेस को, जनरल प्रोफेशनल्स वर्क को हम इसमें बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई ये सूचना अच्छी लगी होगी। यदि ये सूचना अच्छी लगी और यूजफुल लगी हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, बिकॉज ये चैनल आप लोगों को फ्री कंप्यूटर कोर्सेज प्रोवाइड कराता है, और इस पे जो भी कोर्सेज मिलते हैं आपको डीपली मिलते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।